बरसात के दिन आने वाले थे। चिड़िया का एक जोड़ा घोंसला बनाने के लिए पेड़ तलाश रहा था। उड़ते उड़ते वह जोड़ा एक नदी किनारे पहुंचा। वहां कई पेड़ लगे हुए थे, उन्हें वह जगह अपने लिए उपयुक्त लगी। एक पेड़ के पास जाकर वो विनती करने लगे, बरसात के पहले हमें अपना घोंसला बनाना है, कृपया करके हमारी मदद करें, अपनी एक टहनी हमें घोंसला बनाने के लिए अनुमति दे दें। पेड़ ने उन्हें इनकार कर दिया। पेड़ के इनकार से चिड़िया के जोड़े को बहुत बुरा लगा। जाते जाते वे बोले, इतना अहंकार अच्छा नहीं, एक दिन तुम भी टूटोगे और तुम्हारा अहंकार भी। पेड़ कुछ कह पाता उसके पहले वे उड़ गए। उड़ते उड़ते वे नदी के पास स्थित जंगल में पहुँचे और वहाँ पेड़ में एक पेड़ से घोंसला बनाने की अनुमति मांगी। पेड़ सहर्ष तैयार हो गया। चिड़िया का जोड़ा उस पेड़ पर घोंसला बनाकर खुशी खुशी रहने लगा। बरसात का मौसम आ गया, लेकिन अब वे दोनों अपने घोंसले में सुरक्षित थे। एक दिन आधी तूफान के साथ घनघोर बरसात हुई। वह पेड़ टूट कर गिर गया, जिसने चिड़िया के जोड़े को अपनी शाखाओं पर घोंसला बनाने की अनुमति नहीं दी थी। तूफान थमा और बरसात बंद हुई तो चिड़िया का जोड़ा नदी के पास पहुंचा। वहां उन्होंने उस पेड़ को नदी की तेज धार में बहते देखा। वे दोनों बहुत गुस्से और पेड़ से बोले, हमने कहा था ना कि एक दिन तुम भी टूटोगे, तुम्हारा अहंकार भी। आज वो दिन आ गया, ये तुम्हारी कर्मों का फल है। पेड़ ने कहा, तुमने मुझे गलत समझा था। मैं पहले से जानता था कि मैं टूट जाऊंगा। मेरी जड़ें मिट्टी का साथ छोड़ रही थी और शाखाएं कमजोर हो गई थी, इसलिए मैंने उस दिन तुम्हें इनकार किया था। तुम मेरी शाखा पर घोंसला बनाते तो आज जीवित न होते, लेकिन तुम्हें मेरा इनकार बुरा लग गया, इसके लिए क्षमा। पेड़ की बात सुनकर चिड़िया के जोड़े को अपनी सोच पर बहुत दुख हुआ। इस कहानी से सीख। दोस्तों, कई बार जीवन में हमें इनकार का सामना करना पड़ता है। जाहिर है इनकार सुनना किसी को पसंद है। इनकार से हमारी भावनाएँ आ सकती हैं और उस समय हम सिर्फ इन भावनाओं के बारे में सोचते हैं। हम खुले मन से कोई विचार ही नहीं करते। इनकार करने वाले की भी कोई मजबूरी रही होगी।